ओम नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधु, वो आज के वीडियो में बताएंगे हम कैसे आप अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो हम यंत्र बताएंगे वह बहुत आसान है मगर उतना ही प्रभावी भी है, क्योंकि काफी लोगों की इससे मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी है। हम हमारे पास मैसेज भी आते रहते हैं और ये इतना महत्वपूर्ण है, यदि आपने सही तरीके से करा इसको जैसे जैसे हमने बताया तो आपके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा रहेगी व दर्शन भी प्राप्त होते हैं किसी न किसी रूप में, बशर्त है कि आप उसको जैसे हम बताएं आपको वैसे ही करना है, बिल्कुल भी इसमें फेरबदल नहीं करना है। मनोकामनाएं जो भी हो आपकी, जिस तरीके की भी हो, वह पूर्ण अवश्य होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो अंत तक देखना है, वीडियो पूरा देखना है ताकि कोई भी आपसे कुछ भी तरह की सावधानियां छूट ना जाए। तो वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। तो आइए हम आपको पहले बताते हैं इसमें करना क्या है। आप किसी भी रंग का कागज ले लीजिएगा, रंग कोई सा भी हो कागज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको मगर उस पर काले रंग के कलम से आपको यंत्र बनाना है, और यंत्र बनाना है काले कलम से, और थोड़ा बड़ा बनाइएगा। आपको क्या करना है, एक चकोर बनाना है। पूर्ण चकोर बना देंगे आप। चकोर बना के इसको आप तीन तीन के हिस्सों में बांट देंगे। हमेशा यदि आपकी मनोकामना है तो आपको ही ये उपाय करना है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं करना है। आपको जो भी मनोकामना है आपकी वह आपको पूर्ण करनी है, तो आप ये उपाय खुद करेंगे। यहां पे लिख देंगे आप एक, और इसमें क्या लिखेंगे, ओम ऐ, फिर यहां लिखेंगे आप दो, रीन, और फिर लिखेंगे आप यहां पे तीन, क्लीन, और फिर लिखेंगे आप चार यहां पे, इधर लिखेंगे आप चार, पांच, मून, और फिर लिखेंगे आप छह, दुआ, सात, यही, और लिखेंगे आप आठ, वी, और आखिर में लिखेंगे आप नौ, चय। ये मंत्र इसमें लिखा जा चुका है, ये आपको लिखना है। बड़े से कागज पे लिखेंगे आप, इसको सिद्ध नवीन यंत्र भी कहा जाता है। पहले ही लिख के दे देते हैं हम यहां पर। सिद्ध नवीन यंत्र, सिद्ध नवीन यंत्र है जो आपके समक्ष हमने आपको बनाना सिखाया है। इसके अंतर्गत आपको ये यंत्र जब आप बना लेंगे, इसके बाद आपको जो हम मंत्र बता रहे हैं वह आपको जपना है। और याद रखिएगा, जब पहले आपको यंत्र, हम पहले मंत्र बताते हैं मंत्र क्या है, और फिर इसका कैसे आपको उच्चारण करना है, कैसे आपको मंत्र जपना है, वे सब हम बताएंगे। मंत्र है ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आपको ये यंत्र के नीचे लिखना नहीं है, यंत्र के नीचे आपको ये नहीं लिखना है, सिर्फ आपको
लिख के दे रहे हैं ताकि आप देख सकें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाविच्चे, यही मंत्र आप इसमें लिख चुके हैं पहले ही, इसलिए आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब हम आपको बताते हैं कि ये तो आपने बना लिया, मगर इसके बाद आपको करना क्या है। अब आप ये उपाय, ये जो आपने बनाया है, ये आपको बनाना है सोमवार के दिन बनाना है। सोमवार के दिन आप सुबह 5 बजे से लेके सुबह 11 बजे के बीच आप इसको बना लेंगे। ये यंत्र आप सुबह 5 से 11 के बीच में आप बनाएंगे, और फिर आप मान लीजिएगा आपने 9 बजे ये यंत्र बनाया है, तो उसी दिन से आप यह मंत्र जपा करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाविच्चे, ये मंत्र आप जपा करेंगे। कितनी बार जपा करेंगे आप, ये 108 बार आपको जपना है रोज, और ध्यान रखना है मन में आपको जो भी आपकी मनोकामना है वह रखते हुए 108 बार जपना है। मान लीजिए आपने 9 बजे सुबह ये यंत्र बनाया है, तो रोज सुबह 9 बजे ही इस मंत्र को जपना है। तो जिस समय भी आप बनाए, चाहे आप 10 बजे बनाए तो भी आपको 10 बजे बनाना है, सुबह 5 बजे बनाए तो 5 बजे मंत्र जपना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फिर जब आप इसको जप लेंगे, ये ऐसा आपको 21 दिनों तक करना है। 21 दिनों का ये उपयोग है, प्रयोग है, उपाय है। 21 दिनों तक जब आप ये जपेंगे, इसके आगे जो आप मान लीजिएगा अपने घर पे आपके मंदिर है, तो घर मंदिर में रख के इसको आप जपेंगे। यदि मंदिर नहीं है आपके घर में, तो आप किसी भी साफ सुथरी स्थल पे, साफ सुथरी जगह पे इसको रखेंगे, और इसके समक्ष, इसके सामने, यहाँ पे कागज पे नहीं होना चाहिए दिया। दिया अलग से जलाएंगे आप, दिया कैसा भी हो, घी का जला सकते हैं, घी का जलाइए, तेल का जलाना तेल का जलाइए, जैसे आपकी क्षमता है वैसे जलाइएगा। कागज पे नहीं रखना है, अलग से रखना है। दिया जलाने के बाद आपको ये 108 बार मंत्र जपने हैं। कितने दिनों तक? 21 दिनों तक आपको लगातार ये प्रयोग करना है। 21 दिनों तक यदि आपने जैसा हमने बताया वैसे वैसे कर लिया है, तो आप देखेंगे जो भी आपकी मनोकामना है वह पूर्ण हो रही है, और द्वार जो भी है खुलने लगे हैं मनोकामना पूर्ति के, जो पहले बंद थे अच्छे, अब वह पूरे अच्छे से खुलने लगेंगे, और जितनी भी परेशानियां थी मनोकामना पूर्ण ना होने में, वह अब परेशानियां दूर होने लगेंगी, और आप अपनी मंजिल के और करीब जाने लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये यंत्र आपको लेके जाएगा, और अपना प्रयास आप जारी रखेंगे उस तरफ जिस तरफ आपकी मनोकामना होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किस दिन बनाना है, हमने आपको बता दिया है सोमवार को बनाना है, और सुबह 5 से 11 के बीच में। अब इसके पश्चात क्या करना है आपको, मान लीजिए मनोकामना है आपकी 18वें दिन ही पूरी हो गई, 15वें दिन ही पूरी हो गई, तो आप तब भी इसको 21 दिनों तक जारी रखेंगे, रोकना नहीं है। जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके पश्चात आप इसको, जो यंत्र है, आप इसको अच्छे सम्मान के साथ 2 फूल रख लीजिए पीले रंग के इस यंत्र के ऊपर, और किसी पेड़ के समक्ष के नीचे आप इसको रखकर आ जाएंगे। 2 फूलों के सहित इसको आप पेड़ के नीचे रखकर आ जाएंगे, और फिर आपको सीधा घर आना है, किसी से बात नहीं करनी है, और फिर अपने हाथ पैर मुंह धो लेने हैं, और सीधा, और ये भी याद रखना है जब आप जाएं और वापिस आए, किसी से बात नहीं करनी है रास्ते में, और ना ही पीछे मुड़ के देखना है, सीधा अपना 21 दिनों तक आपको अटूट विश्वास रखना है इस यंत्र पर, और इस यंत्र पर दिया जलाना है, और मनोकामना हमेशा अपने मन में रखनी है 108 बार मंत्र जपते समय। तो आप देखेंगे धीरे धीरे कि आपको लाभ मिल रहा है, क्योंकि अनेक लोग इसका लाभ पहले ही उठा चुके हैं, आप भी इसका लाभ उठाइएगा। तो बंधुओं, ये जो प्रयोग को आप अवश्य करिएगा। अब एक सूचना देना चाहते हैं कि आप कभी भी अपना फोन नंबर कमेंट में मत छोड़िएगा, कोई भी व्यक्ति आपको कॉल कर सकता है हमारा नाम लेकर और फ्रॉड कर सकता है, तो आप अपना फोन नंबर कभी भी कमेंट में मत छोड़िएगा। दूसरी बात, यदि कोई आपकी समस्या है अलग से, जो कि जिस पे हमने वीडियो अभी तक नहीं बनाया है, वैसे हम तमाम समस्याओं पे बनाते रहते हैं, यदि फिर भी कोई आपकी समस्या है, तो कमेंट में लिखकर हमें बताइएगा कि आपकी क्या समस्या है, ताकि हम उस समस्या पर एक अलग से वीडियो बना सकें। इस बात का आपको ध्यान रखना कि कभी भी अपना फोन नंबर कमेंट में नहीं छोड़ेंगे आप। तो बंधुओं, यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को ताकि अन्य लोग भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें। यहां तक आपने वीडियो देखा यदि तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही भविष्य में हम वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।